जब जब ये गरीबों की रोटी से भी कमाना चाहते हैं पैसा, ये धूल पसीने की रोटी जो खेतारी कमाई गरीब आदमी कमाता है उससे भी कमाना चाहते हैं। सिलेंडर भरवा दिया फ्री में और 1000 रुपए और 900 रुपए का सिलेंडर, अरे मुफ्त में देना सिलेंडर दिया था तो मुफ्त में भराना भी चाहिए था। ये गरीबों को कितना चिढ़ाएंगे, कितना बदला लेना चाहते हैं। जनता 2022 में उत्तर प्रदेश में भी सबक सिखाएगी। और जिस तरीके का आरक्षण खत्म कर रहे हैं और दलित भाई बहनों के सामने जो अन्याय कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। आपको लगता है आप ही एक विधानसभा से विधायक हैं, आम आदमी क्या कहते हैं आपसे महंगाई को लेकर? आम आदमी बिजली के बेतहाशा रेट बढ़ा दिए और पेट्रोल डीजल के रेट देखिए, और जो सिलेंडर 350 रुपए में मिलता था तो बीजेपी रोड पे रख के नचाते थे सिलेंडर, और आज क्या, आज 900 रुपए में सिलेंडर है। इनको ये तो पूंजीपतियों से भराते हैं, लेकिन गरीब गांव किसान का बेटा जो 12000 का शौचालय नहीं बनवा सकता वो कैसे 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाएगा? उनको नहीं समझ में आता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं नाराजगी जो है वो बजट के हिसाब से कि आखिर इस बजट को सरकार ने कहां खर्च किया। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर हम बात करें किसानों की समस्याओं की बात करें, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक चाहे वो एमएलए हो या एमएलसी, जो चरण सिंह की मूर्ति के ठीक सामने आज जो है साल के बजट सत्र का पहला दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे सदन में हो रहा है, उससे पहले सांकेतिक रूप से तमाम विधायक इसलिए यहाँ धरने में बैठे हैं, कानून व्यवस्था समेत तमाम दलित विरोधी है सरकार, पिछड़ा विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है सरकार, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में बीजेपी जब से आई है, बीजेपी जब से आई है, बीजेपी जब से आई है, आरक्षण विरोधी है सरकार, पिछड़ा विरोधी है सरकार, जब जब आई है लगातार सरकार को जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हाथों में तकिया और गैस सिलेंडर लेकर के ये विरोध जो है लगातार यहाँ पे चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के मार्ग किया जा रहा है, और साफ तौर पे जो है घेरने की समाजवादी पार्टी की आवाज दो, पिछड़ा विरोधी है सरकार, दलित विरोधी है सरकार, सरकार छठा बजट पेश कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की सरकार चौथा बजट पेश करने जा रही है, और महंगाई इतनी बढ़ पा रही है।
पहुंचा सकता है। गरीबों को पहले पहुंचाने सरेंडर दिया और उनसे कमाना चाहते हैं कंपनियों से मिलकर, और 900 रुपए का सिलेंडर, 350 का सिलेंडर के धरना करते थे, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया। बिल्कुल महंगाई क्योंकि हमने पढ़ना है NPR, अगर आप करता है 17 जातियों का आरक्षण लागू करो, 17 जातियों का आरक्षण लागू करो। जो काम आरक्षण विरोधी है सरकार, ये भी जब जब आई है, हमें दौर महंगाई है, तमाम विधायक विधानसभा के सामने महंगाई को लेकर किसानों को लेकर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बात करेंगे इनसे क्या है पूरा मामला। देखिए महंगाई चरम सीमा पे है और बीजेपी जनता को इतना चिढ़ाना चाहती है, उनके खून पसीने गरीब गोबर की रोटी खाता उनसे भी पैसा कमाना चाहती है। एक सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया जो 350 रुपए का मिलता था, आज पेट्रोल डीजल के दाम पे ताचा बढ़े हैं और बिजली के बिल बढ़े हुए हैं और फीसें बढ़ी हुई पे ताचा, रोजगार मिल नहीं रहा, निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं और साथ साथ में आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। हम ओबीसी के लोगों की लगातार जो प्रदर्शन है वो हम लोगों पे दिखाई दे रहा है, जब से आई है।
देखिए ये जब कोई चीज का हल आएगा ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बधाई के साथ साथ ये भी कहा कि जो लोग देश छोड़ना चाहते थे वो सोच हारी है और जो डेवलपमेंट करना चाहते थे वो सोच जीती है, विकास को जिताया है, झगड़ों को नहीं जीता, नहीं देखते हो देखना होता है। ठीक है, जात के आधार पर देखो, ये अगर नहीं हुआ तो बहरे जाओ। इतनी छोटी बात पर भाई ने आपने फोन नहीं उठाया रहा कहीं आज 15 महीने जाएंगे बाहर हम रोड पे मिलेंगे। हमारी पार्टी की मांग है अमल किसानों को फसल का मुआवजा सरकार दे और समाजवादी पार्टी जनता के दवाई का सड़क से लेकर भैया एक मिनट भैया फोटो खींच लें। गैस के दाम बढ़ गए, किसान बचा पा रहा है, रोजगार में कोई इंतजाम नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर गड्ढे हैं, बिजली आ नहीं रही है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ केवल आयोजनों के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सरकार केवल झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। अरे भैया आगे दो मिनट मोबाइल भी सिखाइए इलेक्ट्रॉनिक पीछे भी नसीब नहीं हो रही है। और जो शौचालय खुद नहीं बनवा सकता वो 900 रुपए का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? ये सरकार को नहीं सोचना चाहिए। और सरकार जब 350 का सिलेंडर था तो बीजेपी सड़क पे रख के धरना प्रदर्शन करती थी। आज ये कंपनियों से मिल गई है, ये कंपनियों के माध्यम से गरीब जो दो वक्त की रोटी खाता है उससे भी पैसे कमाना चाहते हैं। और बिजली के बेताचा दाम बढ़े हैं, आरक्षण खत्म कर दिया है, दलित और बैकवर्डों का पूरी तरह आरक्षण खत्म कर दिया, निजीकरण कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं है, और जो हमारा जाति जनगणना ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करा रहे। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा ली जाए और हम लोगों की जाति जनगणना नहीं करा रहे।
वो अभी जनगणना होने जा रही है, उसमें ओबीसी के मकान कौन सा है, मोटरसाइकिल कौन सी है, ये ईंट कौन सी लगी, ये सब पूछ लिया जाएगा। लेकिन हम बैकवर्ड नहीं पूछा जाएगा, आप किस जात के हो, किस हाल में हो, ये नहीं पूछा जाएगा। क्या लेस करेंगे, ये बीजेपी ही जॉबलेस हो जाएगी। अब बीजेपी ने जो लेस जनता को भुखमरी, गरीबी, किसान आत्महत्या कर रहा, नौजवानों की नौकरियां जा रही, कई विभागों में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, सातवां बजट केंद्र सरकार पेश कर चुकी है, चौथा बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश कर रही है, चार मंजिल बिल्डिंग भी कहीं नहीं बनाई है। जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं योगी जी, कोई कुछ काम नहीं कर रहे, एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, लूटना चाहते हैं, और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, केवल कागजों की आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। और जनता सब जान चुकी है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी सुना आएंगे, और हम इस अन्याय और जुल्म के खिलाफ बीजेपी के लड़ते रहेंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जिस तरीके से लूट डकैती की बाढ़ आ गई है, और गैस सिलेंडर जब जब भाजपा आई है, 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 खेत ताकते हुए अन्ना जानवरों के द्वारा मर रहा है, तो किसान मर रहा है, लेकिन सरकार नहीं जा रही है, सत्रह जाति आयोजनों के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव के सिपाही सड़क से लेकर सदन तक सरकार से घेरेंगे और सरकार से जवाब देंगे। खत्म कर रहे हैं, जो भारतीय संविधान में जो बाबा साहब ने लोगों को अधिकार दिया था, जो हक दिया था, वो हक छीन रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना अगर करा लेगी सरकार, तो जो हमारे नेताजी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली हिस्सेदारी, वो बात सामने आ जाएगी। आखिर इससे भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है? जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आएंगे। सेंटर में आइए, सेंटर में, बीच में, बीच में, बीच में, सेंटर में। अरे उसे हट जाने, मध्य में आता नहीं है बाराबंकी ना, बाराबंकी चला जाता हूँ। जबरदस्ती बिजली के दाम पर लाइफ आ रही और किसान आज बीच के अंदर अधिकारी इस तरह दे लगा हुए आवाज दो। बीजेपी जब जब आई है, बीजेपी जब जब आई है, दिलीप नगर के भाई मैं कश्यप जी का 9 फरवरी 2020 को आयोजन है, वो वीर शहीद अखिलेश के साथ गाजीपुर का मुख्य वित्त बनाया गया और शहीद अखिलेश के साथ।